आज सुबह से लेकर अब तक हुई मानसून की पहली बारिश ने किसानों के चेहरे को खिला दिया है। काफी लंबे समय से किसानों के साथ साथ आम शहरी और ग्रामीण लोगों द्वारा गर्मी से परेशान होने के बाद यह बारिश उन्हें ठंडक का एहसास दिलाने वाली नजर आई। हालांकि इस बार मानसून थोड़ा देरी से पहुंचा, लेकिन फिर भी काफी उम्मीदें अभी बाकी हैं। इस बारे में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर मदनलाल कीचड़ ने विस्तार से बारिश के बारे में बताते हुए कहा कि जुलाई और अगस्त माह में भी बारिश की पूरी संभावना बनी हुई है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विभाग ने जानकारी दी कि 19 जुलाई तक राज्य के ज्यादातर क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे, बीच बीच में बारिश होने की संभावना रहेगी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आज सुबह 7 बजे तक मात्र 2 मिलीमीटर ही बारिश हुई थी, लेकिन उसके बाद बारिश ने जोर पकड़ा और कुल वर्षा 14 मिलीमीटर तक रिकॉर्ड की गई। उन्होंने कहा कि इस बार मानसून थोड़ी देरी से आया है, लेकिन जुलाई माह और अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में बारिश होने की संभावना है, जो देरी से आए मानसून की कमी को पूरा कर देगी। सर, आज जो बारिश हुई है वो लगभग कितने एमएम बारिश हुई है और आगे जो आने वाला मौसम है वो किस तरह से रहेगा? आज जो हमारे ऑब्जर्वेटरी में सुबह तक तो हुई थी 2 मिलीमीटर, परंतु बाद में ये अच्छी बारिश हुई है, लगभग 15 मिलीमीटर के आसपास मापी गई है। और इसमें आगे अगले, क्योंकि अभी क्या मानसून की हवाओं के कारण ही बारिश हो रही है, और मानसून अभी अगले 2-3 दिनों में 19 जुलाई तक लगभग हरियाणा के सारे हिस्सों में ये पहुंच जाएगा और कवर कर लेगा, ऐसी संभावना बन रही है, क्योंकि मानसून अभी पूरी तरह से सक्रिय हो रहे हैं। और अभी आने वाले 2 या 3 दिनों में और हल्की से मध्यम और कहीं भारी बारिश भी संभावना है, जो कि उत्तर हरियाणा में हो सकती है, परंतु अपने यहाँ पश्चिमी दक्षिण हरियाणा में हल्की बारिश या मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। सर, अगर किसानों की बात करें तो किस तरह की हिदायतें किसानों को आप मानसून को लेकर देंगे? नहीं, मानसून दक्षिण और पश्चिमी हरियाणा के किसान इसका बेसब्री से हम इंतजार कर रहे थे कि भी बारिश आए और धान की जैसे रुपाई चल रही है, ग्वार बाजरा की बिजाई के लिए बारिश की ज़रूरत थी, क्योंकि खासतौर पर जो रेगिस्तानी एरिया है जो बारिश पर ही डिपेंडेंट करता है, उस क्षेत्र में बारिश की ज़्यादा आवश्यकता थी, जहाँ सिंचाई के साधन है वहाँ भी धान वगैरह की रोपाई के लिए इसकी आवश्यकता थी। और अभी आज जो बारिश हुई है और आने वाले 2 दिनों में और बारिश की संभावना है, उसके बाद में किसान भाई जैसे मौसम साफ हो और नमी बदतर आ जाए खेत में, तो उसके बाद में बिजाई और कर सकते हैं ग्वार बाजरा मक्का और अन्य फसलों की, और उसमें धान की रोपाई अपनी जारी रखें, क्योंकि बारिश आ गई है, अब पानी खड़ा रहने में भी खेतों में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और सब्जियों फलदार पौधों सभी में इसमें फ़ायदा है। सर, पिछले सालों के मुकाबले इस बार मानसून ठीक ठाक रहने की संभावना है या पिछले सालों के मुकाबले कुछ ज़्यादा या कम अभी तक आंकी गई है? नहीं, ऐसा नहीं है कि भी पिछले सालों में भी, अभी इस बार मानसून थोड़ा लेट हुआ है, वो एल नीनो के कारण भी हुआ, पैसिफिक ओशियन में जो प्रशांत महासागर है वहाँ जो सूर्य, उसमें तापमान की बढ़ोतरी हो जाती है, जिसके कारण एल नीनो, तो यहाँ की हवाएँ वहाँ चली जाती हैं दूसरी ओर, तो इसके कारण इस बार मानसून कुछ लेट हुआ। फिर एक वायु साइक्लोन आया, उसके कारण भी इसका प्रभाव देखने को मिला, और उसके बाद में जैसे जैसे मानसून लेट होता गया, अभी हमारे मानसून आमतौर पर जुलाई 2 और 3 तारीख तक हरियाणा कवर कर लेता है, 3 और 4 तक भी, परंतु आज हमारा ये 16 जुलाई हो गई है, लगभग 10-12 दिन लेट चल रहा है। अभी आने वाले टाइम में जुलाई में और कुछ बारिश और होगी, अच्छी बारिश होने की संभावना है, अगस्त और सितंबर में मानसून अच्छी तरह सक्रिय होने की पूरी पूरी संभावना बनी हुई है, और जो कमी हुई है वो आने वाले टाइम में भरपाई हो जाएगी।